वेलकम टू द सोलो कुक। आज हम बनाने वाले हैं मेरी स्टाइल में तवा इडली, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर मैंने चावल की इडली ली है। आप सूजी मतलब रवा की इडली भी ले सकते हो। उसके लिए एक कप रवा, एक कप दही और उसमें पानी डाल के उसे भिगो के रख दीजिए। फिर इनो और नमक डाल के इडली बना लीजिए। जब ठंडी हो जाए तब ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने एक चम्मच के आसपास घी लिया है। घी जब पिघल जाए और गर्म हो जाए तब उसमें हम डालेंगे जीरा। तो यहाँ पर जीरा स्प्लटर हो गया है। अगर आप नॉन जन बना रहे हो तो यहाँ पर अनियन एंड गार्लिक पेस्ट एंड रेड चिली पेस्ट डाल के आपको भूंजना है। एंड फिर सेम कंटिन्यूस ये वाले आएगा प्रोसेस। और नॉन जेन है तो आपका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। स्प्लटर होते ही मैंने कैप्सिकम और टमाटो डाला है और उसमें नमक डाला है ताकि थोड़ा ये गल जाए। इसे मिक्स दे देंगे हम। एंड देन फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्ची। लाल मिर्ची अगर आपने रेड चिली पेस्ट डाला है तो ओमिट कर दीजिएगा। मैंने रेड चिली पेस्ट नहीं डाला है इसलिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है फॉर कलर एंड नथिंग एल्स। फिर हम डालेंगे पाव भाजी मसाला। यहाँ पर मैंने एक चम्मच डाला है, आप डेढ़ चम्मच तक डाल सकते हो अगर आपको उसकी टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो। देन यहाँ पर मैंने डाला सिजवान सॉस एक चम्मच और नींबू एंड उसे मिक्स कर दिया। सिजवान सॉस मेरा घर का बना हुआ है, नो अनियन नो गार्लिक वाला। आप चाहो तो चिंग्स का जो सिजवान चटनी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। देन इसमें मैंने डाला है इडली क्यूब्स करके कट करके एंड मिक्स दे देंगे। नींबू यहाँ पर मैंने एक नींबू डाला था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। बस हमारा तवा इडली रेडी है। मैंने ऑल्दो ये कढ़ाई में की है पर आप तवे पर भी कर सकते हो पैन में। ये देखिए बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप सॉस के साथ भी खा सकते हो, चटनी के साथ भी खा सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। मुझे सॉस के साथ प्रेफरेबल था। अगर आप हमारी कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा, हम आपका फीचर करेंगे अपने पेज पे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द सोलो कुक। एंड अगर आप हमें कोई भी रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हो जो हम ट्राई करें, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इन्जॉय, बाय।